bought 100 shares in Bharat Limited at the rate 15 per share. Brokerage rupees 30 paid कर लिया. अब देखो मेरे बेटा जी, देखो मेरे बच्चे, शेयर खरीदने का मतलब है आपने इन्वेस्टमेंट करी है भारत लिमिटेड में. 100 शेयर खरीदे हैं, 15 रुपए का एक शेयर है, यानी कि एक शेयर 15 का, तो 100 शेयर हो गए 1500 हो गए, और वो खरीदने के लिए तुमने ब्रोकरेज पे करी है. देखो थोड़ी सी बात में आपको हिंट में देना चाहूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर कोई भी एसेट खरीदने के लिए तुम कोई फर्दर एक्सपेंस भी करते हो तो वो उसी एसेट का पार्ट बन जाता है. बाकी उसी एसेट का पार्ट बन जाता है, बात क्लियर हुई. तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें जो शेयर पड़े हैं वो 1500 के पड़े हैं, हम बोलेंगे हमें जो शेयर पड़े हैं वो 1530 के पड़े हैं, ब्रोकरेज ऐड कर देंगे मेरे बेटा जी, बात क्लियर हुई. अब बड़ा आसान है इसे समझना, क्लियर है बेटा. ऑब्वियस बात है, हमने शेयर खरीदे होंगे और पैसा गया होगा, सीधा सीधा गणित होता है यहाँ तो, ठीक है. तो अगेन वही वाली बात, देखो रूल क्या होगा मेरे बेटा, हमने क्या खरीदा है मेरे बेटा जी, देखो डेबिट में राइट कहाँ पर है, नो रिसीवर नो गिवर. हमने क्या खरीदा है मेरे बेटा जी, शेयर. तो शेयर इन्वेस्टमेंट आ रही है और पैसा जा रहा है, क्लियर है. कोई खर्चा कोई इनकम नहीं है, कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई रिसीवर गिवर नहीं है, क्या रहा है, सीधा इन्वेस्टमेंट आ रही है और पैसा जा रहा है. तो डेबिट में राइट कहाँ पर है, कम्स इन में पता क्या लिखोगे, ये लिखना इन्वेस्टमेंट, इस टाइप से, या तो खाली आप इन्वेस्टमेंट लिख दो या इन्वेस्टमेंट इन भारत लिमिटेड भी लिख सकती हो, अकाउंट डेबिट इस तरीके से भी लिख सकते हो, खाली इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. टू गोज आउट, पैसा जा रहा है. देखो वैसे यहाँ पर बोला तो नहीं है, लेकिन हम अपनी बुद्धि का यूज करके करेंगे, क्योंकि जब भी हम शेयर्स वगैरह खरीदते हैं ना मेरे बेटे जी, तो कैश पे पेमेंट नहीं करते, नॉर्मली बैंक के थ्रू पेमेंट होती है. बट हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें 11th की अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, तो 11th में यही बोला जाता है कि जब तक चेक के थ्रू पेमेंट ना करें या बैंक के थ्रू ना करें, बैंक मत लिखना, जब तक कुछ ना बोले हमेशा कैश ही लिखना, बोला यही जाता है. लेकिन अगर मैं यही चीज 12th के बच्चों को बताऊंगा या अपर 12th को बताऊंगा, तो यहाँ पर मैं टू बैंक लिखवाता, क्योंकि शेयर्स के सारे ट्रांजेक्शन हम जो करते हैं बैंक के थ्रू ही होती है, ठीक है. तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे 1530, नरेशन खुद लिख देना, बी 100 शेयर परचेज इन भारत लिमिटेड, कैसे 15 शेयर है 100 रुपए के प्लस 30 रुपए, ये हो गया जो 1530, क्लियर है. कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ. अप्रैल 8 की तरफ, देखो अप्रैल 8 में क्या लिखा है, ठीक है. गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 500, सॉरी अप्रैल 8, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 500 वर डैमेज इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में ही खराब हो गया. अ क्लेम वॉज मेड ऑन रेलवे अथॉरिटी फॉर द सेम, हमने इसके लिए क्लेम भी कर दिया, मतलब हमने गुड्स परचेज करा था, ठीक है ना, बट वो रास्ते में ही क्या हो गया, डैमेज हो गया, मतलब इन ट्रांजिट ही खराब हो गया. तो इसमें क्या होगा, एंट्री देखो क्या बनेगी, इसमें दो एंट्री आएंगी, जरा समझना. देखो अगर हमने जो गुड्स परचेस करा था वो बट अभी आ रहा है, रस्ते में है, परचेस की एंट्री लग चुकी होगी, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है ना. तो वो अभी रस्ते में है, बट रस्ते में वो ट्रांजिट में ही क्या हो गया, खराब हो गया, मतलब बेकार हो गया. तो देखो रूल मैं दोबारा से यहाँ पर रूल लिख रहा हूँ, क्योंकि तो बार बार मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा. डेबिट और क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम, बात क्लियर हो गई. ये हमारा रूल है, ठीक है. अब इधर लगाना कि जब हमारा सामान बर्बाद हो गया तो बेटा हमारा क्या हो गया, ये खर्चा हमारा, तो नुकसान लॉस इनकी खर्चा. नो रिसीवर नो गिवर, कोई रिसीवर नहीं है कोई गिवर नहीं है, कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ गुड्स चला गया, गुड्स चला गया, क्लियर है. अब डेबिट में राइट कहां पर है, एक्सपेंस. एक्सपेंस में क्या लिखोगे, लॉस इन ट्रांजिट, खर्चे का नाम,
लॉस का नाम, लॉस इन ट्रांसिट, गुड्स बर्बाद हो गया, रस्ते में बेकार हो गया। गोज आउट, गोज आउट में क्या जा रहा है, क्रेडिट में राइट है गोज आउट, क्या जा रहा है गुड्स। जब गुड्स आए थे तो परचेज लिखा था, जब फ्री फंड में जा रहे हैं ना तो भी परचेज लिखी, मतलब जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और हमने क्या करा, जो भी हमें नुकसान हुआ है, मैं अमाउंट बोल गया, जो भी हमें नुकसान हुआ है 500 रुपये का, उसका क्लेम हमने रेलवे अथॉरिटी से मांगा है, यानी कि वही वाली बात है कि हमने रेलवे के थ्रू हमारा सामान आ रहा था, तो ऑब्वियस बात है इस नुकसान की भरपाई हमने क्लेम करा है, मांग मिला नहीं है मांगा है। तो देखो एंट्री लिख रहा हूँ फिर समझाता हूँ, रेलवे अथॉरिटी से हमें पैसे लेने हैं तो ये बनेगा हमारा डेटर, और डेटर हमेशा होते हैं डेबिट, और अगर हमें पैसे मिल जाएंगे तो हमारा नुकसान खत्म हो जाएगा, नुकसान है डेबिट, खत्म करने के लिए कर देंगे क्रेडिट, लॉस इन ट्रांजिट, पैसा कवर कर लिया।